हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बटरफ्लाई स्टिच। देखिए, सिंगल कलर में बनेगी, ये मल्टीपर्पज डिज़ाइन है। ये इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखने में बहुत सुंदर लगेगी जब आप इसको पूरा बनाएंगे। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बनाने में, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगी। नेटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, इसमें 5 फंदों का डिज़ाइन है। ये यहाँ से हमने, ये 5 फंदे यहाँ हैं, 5 यहाँ हैं, 5 यहाँ हैं, इस तरह से करते हुए 5 के मल्टीपल फंदे आप इसमें डालिए। और दो दो फंदे मैंने ये यहाँ एक्स्ट्रा लिए हैं, 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर, यानी 5 के मल्टीपल फंदे डाल के आप 4 फंदे एक्स्ट्रा लें। यहाँ मैंने ये देखिए 19 फंदे लिए हैं मैंने यहाँ पर। 19 फंदे हैं ये, 5 के मल्टीपल फंदे लेके मैंने 4 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं इसमें। तो अब हम इसको बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेके एक फंदा बुन लेंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं डिज़ाइन से। धागा आगे लेंगे, 5 फंदे हम बिना बुने लेंगे, धागा पीछे लेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। बुन दिए हमने 5 फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, फिर 5 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा पीछे लेंगे और ये दोनों फंदे बुन देंगे। 10 सिलाई का डिज़ाइन है ये। एक सिलाई हो गई हमारी, अब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके और उल्टी सिलाई। इस डिज़ाइन में हर सिलाई, हर उल्टी सिलाई सादी बनेगी। पहली बार मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। सीधी सिलाई में हम डिज़ाइन बनाएंगे और उल्टी सिलाई हम सादी बनाएंगे हर बार। उल्टी सिलाई हमने सादी बना ली। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए। तीसरी सिलाई है ये। पहला फंदा बिना बुना लेके हमने ये एक्स्ट्रा फंदा बुन लिया और हम फिर वही रिपीट करेंगे। 5 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा पीछे लेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। पांच फंदे सीधे बुन लिए, धागा आगे लेंगे, 5 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा पीछे लेंगे। इसी तरह से हम इसको, जितने भी फंदे हमारे पास हों, 5-5 फंदे करके हम यही रिपीट करते जाएंगे आगे तक। अब उल्टी सिलाई हम सादी बना लेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमने सादी बना ली। अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे। एक्स्ट्रा फंदे बुनने के बाद 5 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा पीछे लेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे लेंगे, 5 फंदे बिना बुने लेंगे, ये देखिए, ये हमने अभी 3 बार रिपीट किया है। अभी हमें एक बार और करना है। अब हम उल्टी सिलाई सादी बनाएंगे और उसके बाद हम फिर से इसी को रिपीट करेंगे। देखिए, अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। 6 सिलाई हो चुकी हैं इस डिज़ाइन की पूरी। ये 7वीं सिलाई है। एक्स्ट्रा फंदे बुनने के बाद 5 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा पीछे लेंगे, 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे लेंगे, 5 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा पीछे लेंगे और ये इस तरह से बुन देंगे। 7 सिलाई हो गई अब ये हमारी पूरी। अब हम 8वीं सिलाई इसकी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन के हमारे 8 सिलाई पूरी हो चुकी हैं। ये धागे देख सकते हैं आप, 4 हो गए ये, 1 2 3 4। अब हम इसकी
नौवीं सिलाई बुनेंगे, नाइन्थ रो बुनेंगे। एक्स्ट्रा फंदे बुन लिए पहले हमने, अब हमें ये पांच फंदे जो हमने पहले बिना बुने लिए थे उसमें से दो फंदे बुनने हैं, एक और ये दो, दो फंदे बुनेंगे। और तीसरा फंदा जो हमें बुनना है, देखिए ये चारों धागों के नीचे से सिलाई लेनी है यहाँ से, और तब ये फंदा बुनना है और ये यहाँ से ही निकालना है। अब ये दोनों फंदे बुन देंगे, ये पांच फंदे हो गए जो हमने पहले बिना बुने लिए थे। जो हमने पांच फंदे बुने थे इस बार भी हमें वो बुनने हैं, पांच के पांच हम बुन लेंगे। अब हमारी ये बिना बुने लिए लेने वाले फंदे आ गए, इनमें से हमें दो फंदे बुनने हैं, दो फंदे बुन लेंगे। तीसरे फंदे को हम यहां से सिलाई लेके बुनेंगे इस तरह से, और ये बाकी के दो फंदे भी बुन देंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमें यहाँ पर भी सादी बनानी है। पूरी सिलाई सादी बनाने के बाद हम फिर से यही डिजाइन बनाएंगे, लेकिन अब हम ये अगले फंदों पर बनाएंगे। जिन फंदों पर हमने डिजाइन बनाया इस बार वो बुने जाएंगे, जो पहले बुने गए उसमें डिजाइन बनेगा। उल्टी सिलाई हमें हर बार सादी ही बनानी है। देखिए अब हमें ये वाले पांच फंदे बुनने हैं, और जो हमने पहले बुने थे वो वाले पांच फंदे हमें बिना बुने लेने हैं। तो हम दो फंदे पहले एक्स्ट्रा बुनने के बाद ये वाले पांच फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए ये पांच फंदे हमने सीधे बना लिए, धागा आगे लेंगे, और अब ये वाले पांच फंदे हम बिना बुने लेंगे। जैसे आपके ज्यादा फंदे हैं तो हर जगह आपको यही करना है, पूरी सिलाई में जहाँ जहाँ आपने ये वाले फंदे बुने हुए आए आपके, वहाँ वहाँ आपको ये बिना बुने लेने हैं, और जो डिज़ाइन जिस पे पहले बनाया वो इस बार बुनने हैं। देखिए ये बुन लिया हमने, अब उल्टी सिलाई हम सादी बना लेंगे। ये उल्टी सिलाई बना ली हमने, अब हम फिर से वही, एक बार हमने ये कर लिया है, हमें चार बार इसी को रिपीट करना है। जो फंदे हमने बुन लिए ये बुनने हैं, उसके आगे के ये पांच फंदे हमें बिना बुने लेने हैं। देखिए ये पांच फंदे हमने बिना बुने लेके धागा पीछे लेंगे, देखिए ये हमारे दो धागे आ गए यहाँ पर, ये हमें फोर धागे करने हैं। जैसे हमने यहाँ फोर धागे किए थे, ये फोर हो जाने चाहिए, यानी हम इसी सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तब तक जब तक यहाँ ये धागे फोर हो जाएं। चार धागे हमें ये लेने हैं जिस तरह से हमने यहाँ किया, उसके बाद फिर हम ये डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये आठ सिलाई हमने इसकी बना ली, यहाँ पर ये चार धागे आ गए। अब हम इसको इसी तरह से ये नौवीं सिलाई बुनेंगे और इसको बंद करेंगे। जो हमने ये सादे फंदे बुने हैं उनको हम पहले ऐसे ही बना लेंगे। देखिए ये सादे फंदे बुनने के बाद जो ये पांच फंदे हमने बिना बुने लिए हैं उसके दो फंदे बुनने हैं। तीसरा फंदा हम सिलाई यहां से लेंगे। देखिए ये ध्यान रखना है कि ये सिलाई पीछे की तरफ ना चली जाए, इस तरह से बहुत आराम से इस तरह से लेना है, यहाँ से आपको बुनना है, ये फिर यहाँ से सिलाई लेनी है। अब बाकी के फंदे हम सीधे बुन देंगे, उल्टी सिलाई हम सादी बना लेंगे, और उसके बाद हमें ये डिज़ाइन फिर से पहली सिलाई से शुरू करना है। ये देखिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। अब इस बार हमें ये वाले फंदों पर डिज़ाइन बनाना है और ये फंदे हमारे बुने जाएंगे। हर बार हमें
इसी तरह से रिपीट करना है। ये देखिए यहाँ डिज़ाइन बनेगा, ये बिना ये बुने गए, ये बिना बुने लिए, ये बुने गए, उसके बाद इसके ऊपर बिना बुने आ जाएंगे और ये वाले बुने जाएंगे। इसी तरह से आपको ये डिज़ाइन रिपीट करना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे ये डिज़ाइन पसंद आया है, मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।